आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सीकर के निमका थाना में अधूरे पड़े अंडरपास को चालू करवाने व ओवरब्रिज के दोनों तरफ सर्किल बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन तुल पकड़ता जा रहा है। संघर्ष समिति का आज 10वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक सांवल राम यादव को हाथी पर बैठकर सैकड़ों लोगों ने धरना स्थल से नगर पालिका तक रैली निकालकर नगर पालिका का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर लोगों ने नगर पालिका के अंदर धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग है कि नगर पालिका अध्यक्ष तिलोक दीवान एवं उच्च अधिकारियों को मौके पर आकर बात करें। बाद में तहसीलदार व उपखंड अधिकारी अंजू शर्मा मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से वार्ता कर मामला शांत करवाया और 2 दिन का समय मांगा। उपखंड अधिकारी अंजू शर्मा ने बताया कि अंडरपास की समस्या को लेकर आज मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया, जल्द समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिया गया। वहीं दूसरी ओर संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नगर पालिका के अध्यक्ष के नगर पालिका में नहीं मिलने पर लोगों ने नाराजगी जताई। इस दौरान समिति के संयोजक सावधान यादव, जुगल किशोर, सरपंच प्रतिनिधि राजेश मीणा, कैप्टन बलदेव सिंह, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पप्पूलाल शर्मा, सीकर, राजस्थान की खास रिपोर्ट। माउथ मीडिया के माध्यम से हम लोग ये एक मैसेज देना चाहते हैं इस आने वाली जनरेशन को कि आप लोग पूरी ताकत से, पूरे जज्बे के साथ में इस तरह की बुराइयों का आप दीवार बन के सामना करें और शासन प्रशासन को ये बताएं कि आज का आमजन, आज का हर एक युवा जाग चुका है, उसमें चेतना जागृति आ चुकी है। मैं सभी से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इस नगर पालिका को हम बहुत जल्दी ताला लगाने वाले हैं। एसडीएम महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम महोदय ने हमें पूरी तरह से सर्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि हम लोग जल्दी 2 दिन में कोई ना कोई स्थायी इस चीज का समाधान निकालते हैं। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि ये जनता की आवाज दबाने वाली आवाज नहीं है। हमने जब सीट पे इनको बैठाया है अच्छा समर्थन देके, तो हम सीट से नीचे भी डाल सकते हैं। आँख बंद कर रखे। रूटसिको ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर नगर पालिका ने जमीन अधिग्रहण करने के अंदर नेग्लिजेंसी बरती है तो तमाम तरह से नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है। और नगर पालिका चूँकि रूटसिको के द्वारा जो इरकॉन कंपनी को अनुबंध दिया गया था उसका समय 31 मार्च को समाप्त हो गया है, अतः रूटसिको ने तमाम अधिकृत पत्रों के साथ में नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अब अंडरपास को लेकर के तमाम अधूरे कार्य नगर पालिका अपने स्तर पर करेगी और जो भूमि अधिग्रहण होगी उनको भुगतान भी अपने स्तर पर करेगी। आज ये लोग चल करके यहाँ इसलिए आए हैं, नगर पालिका इमरजेंसी बैठक बुलाए और उस बैठक के अंदर ये तय करे कि जो भी ये अंडरपास को लेकर के खर्चा लगेगा वो बजट निमका थाना नगर पालिका रिजर्व करे और ये जो कार्य है इसको हम अविलंब चालू करे। ये सीधी बात करने के लिए हम आज आए हैं, लेकिन चोर के पैर नहीं होते साथियों। चोर जब सामने, सत्य लोग, ईमानदार लोग, क्षेत्र के परेशान लोग जब आते हैं तो चोर दुम दबा करके भाग जाते हैं। आज यही लग रहा है, चेयरमैन साहब दुम दबा करके निकल गए हैं, लेकिन उनको कब तक वो भागेंगे? हम उनको आमने सामने बात करके जनता के सामने उनके असली तस्वीर लाने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ भी भारत नेटवर्क पर।